आम जनता के लिए कैंसर एक बहुत डरावना शब्द है, जिसकी वजह से बहुत सारी भ्रांतियाँ या मिथ्स फैले हुए हैं। आज इस वीडियो में हम कैंसर से जुड़े हुए कुछ ऐसी ही भ्रांतियाँ या वहम के बारे में बात करेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। पहला मिथ, कैंसर एक छुआछूत या छूने से फैलने वाली बीमारी है। यह स्टेटमेंट गलत है। कैंसर छूने से, हाथ मिलाने से या साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है। यह साथ में सोने से या किस करने से भी नहीं फैलता है। दूसरा मिथ, कैंसर मतलब निश्चित मृत्यु। यह स्टेटमेंट भी गलत है। बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, थायराइड कैंसर, खास तौर पर अगर वह शुरुआती चरण में पकड़े जाएं। अगर पीडियाट्रिक कैंसर्स की बात करें तो यह देखा गया है कि बच्चों में होने वाले 80-90% तक के कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगला मिथ, डिओड्रेंट या परफ्यूम के इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर होता है। यह स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा मिथ है। डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम कंपाउंड्स, पैराबेन्स, लेकिन इनकी वजह से कैंसर नहीं होता है। अगला मिथ है, प्रेगनेंसी के दौरान कैंसर का इलाज संभव नहीं है। यह एक काफ़ी प्रचलित मिथ है। प्रेगनेंसी के दौरान जांचें और निदान दोनों ही संभव हैं। हालांकि प्रेगनेंसी में कुछ अलग तरह की सावधानियां अपनाई जाती हैं, जैसे कि अगर एक्सरे करना हो तो एक विशेष प्रकार की शील्ड, जिसे लेड शील्ड बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है, जिससे भविष्य में होने वाले बच्चे पे कोई खतरा ना हो। एक और मिथ है कि कीमोथेरेपी से बाल झड़ना निश्चित है और इसमें हमेशा बहुत दर्द होता है। यह एक गलत फहमी है। आपको यह जानना ज़रूरी है कि हर कीमोथेरेपी से बाल नहीं झड़ते हैं, और अगर कीमोथेरेपी के दौरान बाल झड़ भी जाएं, तो यह ट्रीटमेंट कोर्स के ख़त्म होते ही बाल वापस भी आने लगते हैं। आजकल ऐसी डिवाइसेज आ गई हैं जिनके प्रयोग से कीमोथेरेपी से होने वाला हेयर लॉस काफ़ी कम हो जाता है। एक और मिथ है कि प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना खाने से या प्लास्टिक बॉटल्स में पानी पीने से कैंसर होता है। इस स्टेटमेंट के पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। प्लास्टिक के मानव शरीर में जाने की संभावना ना के बराबर है। एक और मिथ है कि आर्टिफिशियल शुगर या बनावटी चीनी से कैंसर होता है। यह मात्र एक भ्रांति है। वैज्ञानिक शोध में यह देखा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से मानव शरीर में कैंसर नहीं होता है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी कैंसर से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियाँ या मिसकंसेप्शंस ज़रूर दूर हुए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।